नमस्कार दोस्तों, जय कुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे टिंडे की सब्जी, जिसके लिए मैंने टिंडे ले लिए हैं आधा किलो, और इसी के साथ मैंने एक प्याज, 7 से 8 लहसुन, 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च। साथ में मैंने मसाले भी ले लिए, मैंने ले लिया हींग, हींग के साथ मैंने सारे मसाले ले लिए। तो चलो अब शुरुआत करते हैं अपनी सब्जी की। ये मैंने थोड़ा तेल ले लिया है सरसों का, इसको अच्छी तरह गरम करके इसमें मैं थोड़ा हींग डाल दूँगी। जब ये हींग हो जाएगी तो मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दूँगी। ये देखिए जीरा हो चुका है, अब मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। ये देखिए हमारा लहसुन हो रहा है, थोड़ा सा रेड हो जाएगा तो इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। ये हमारा लहसुन ऑलमोस्ट रेड हो चुका है, अब इसमें हम प्याज ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा ऐड कर देते हैं प्याज। ये देखिए मैंने इसमें प्याज डाल दिए, अब इसको अच्छी तरह मैं रेड करूँगी। पैन को थोड़ी देर भून लेते हैं। इसमें हम अपनी 1 चम्मच दही को थोड़ा फेंट लेते हैं, क्योंकि मैं 1 चम्मच दही इसमें ऐड करूँगी। तो अब इसको थोड़ा सिम को करके छोड़ देते हैं, प्याज होती रहेगी। इसमें हम अपनी दही को फेंट लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच दही ले लिया, अब इसको अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी। आप इसमें और भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, मैं 1.5 चम्मच ले लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा फेंट लूँगी। ये देखिए हमारा ये प्याज लाल होना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी डालूँगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी और इसके अंदर लाल मिर्च डाल दिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, अब इसको मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा सा भूनने दूँगी। उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, टमाटर और हरी मिर्च। ये देखिए ये हमारी हल्दी और लाल मिर्च मिक्स हो चुकी है, अच्छी तरह भून चुकी है। अब मैं इसमें अपने टमाटर ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैं अभी इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 टमाटर लिए थे और इसी के साथ मैंने 2 हरी मिर्च लिए, वो भी ऐड कर देती हूँ। अब साथ में ही मैं इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। अब इसको थोड़ा सा भूनने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा चला लेती हूँ, उसके बाद भूनने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये भून जाएगा अच्छी तरह मैश हो जाएगा, फिर इसमें दही मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए टमाटर बिल्कुल ही मैश हो चुके हैं, अब मैं इसमें अपनी दही ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, पहले से हमारा सॉस लग जाए। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ गैस पे, ये अच्छी तरह हो जाएगा, फिर मैं इसमें अपनी सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। ये देखिए अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसमें मैं सब्ज़ी ऐड कर देती हूँ। देखिए मैंने सब्ज़ी ऐड कर दी, इसमें मैंने सब्ज़ी डाल दी और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ इस तरीके से। मैं इसमें थोड़ा कम ही पानी डालूँगी ताकि मेरी ग्रेवी थोड़ी थिक हो, और जो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं वो डाल ही सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम पानी रखना है इसमें, इसलिए मैंने कम पानी डाला है। अब मैं इसमें कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ, थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेते हैं। इसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और 2 विसल के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी, फिर हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। ये मैं कुकर का ढक्कन लगा दी हूँ, ये मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया। अब मैं थोड़ा वेट करती हूँ जब तक इसके 2 विसल पूरी ना हो, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं अब अपना कुकर ओपन करती हूँ और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म सब्जी रेडी हो गई है। ये देखिए सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम धनिया ऐड कर देंगे, ये हम इसके अंदर अब धनिया ऐड कर देंगे। अब मैं इसको मिला देती हूँ। ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप इसकी ग्रेवी अगर गाढ़ी करना चाहें तो थोड़ी देर गैस पे ऑन कर देना, तो इसकी ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। अब ये आप इसके अंदर गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मैंने अभी किया नहीं है। थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड कर देते हैं। मैंने इसलिए पहले नहीं किया था क्योंकि अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो कलर जो सब्जी का है वो ब्लैक हो जाता है, इसलिए मैं गरम मसाला बाद में ही ऐड कर देती हूँ ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म सब्जी रोटी के साथ हमने परोस दिया है,
अब आप इसे इंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू।